नमस्कार दोस्तों, आज हम बेहतरीन दो सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी लेंगे जो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है और अक्सर आपकी परेशानी खत्म कर देते हैं। एक है विनरार, दूसरा है रेमो रिकवर। विनरार सॉफ्टवेयर की मदद से हम अपनी पूरी एल्बम डिजाइन एक फाइल में कॉम्प्रेस करके प्रिंटिंग के लिए अपलोड कर सकते हैं। चलो देखते हैं विनरार के बारे में जानकारी लेते हैं। मेरे पास फोटो है, मैं इसे कॉम्प्रेस करके एक फाइल में अपलोड करूंगा जिसका साइज कम होने के कारण आसानी से अपलोड हो जाएगा। हम अपलोड करने के लिए गूगल ड्राइव या वन ड्राइव का प्रयोग करेंगे जो कि स्पीड के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। मेरे पास एक फोल्डर है जिसमें कुछ इमेजेस हैं। उसी फोल्डर पे राइट बटन क्लिक करते ही मुझे यहाँ एड टू प्रिंट 12x18 रार फाइल यह ऑप्शन मिल जाता है। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ तो हमारी ये फाइल बन जाती है उसी नाम से जो अपने फोल्डर का नाम है। तो मैं इसे अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड करके दिखा देता हूँ। मैं गूगल क्रोम ओपन कर देता हूँ। यहाँ मैं लॉगिन कर देता हूँ मेरे ईमेल आईडी से। मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर दिया है। इसके साइड में गूगल के ऐप्स का बटन है, उस पर क्लिक करते ही गूगल ड्राइव ऐप मिल जाता है। मैं उसे क्लिक करते ही गूगल ड्राइव ओपन हो जाता है। मैं यहाँ न्यू बटन पे क्लिक कर देता हूँ। फाइल अपलोड ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ। डेस्कटॉप पे जाकर मेरी वह प्रिंट 12x18 ये फाइल सेलेक्ट कर देता हूँ। अपलोड शुरू हो जाता है। गूगल ड्राइव का स्पीड सबसे बेहतर होने के कारण आप इसे आसानी से 1 GB या 2 GB का डाटा 10 या 15 मिनट में अपलोड कर सकते हैं। आप गूगल ड्राइव का लिंक जो एल्बम प्रिंट करते हैं उन लैब को भेज सकते हैं, उसे व्हाट्सएप से भेज सकते हैं या ईमेल से भेज सकते हैं। देखो ये अपनी प्रिंट 12x18 ये रार फाइल अपलोड हो गई है। इसे भी मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ ऊपर मैं यहाँ लिंक ही भेज सकता हूँ और शेयर ही कर सकता हूँ। मैं यहाँ शेयर पे क्लिक कर देता हूँ, उनका ईमेल आईडी दे देता हूँ। मैजिक मल्टीमीडिया 78@gmail.com। यहाँ उनके लिए कुछ रिमार्क या नोट भी लिख सकता हूँ जैसे कि 12, 18, 10, 20, 30, 40, ऐसा कुछ ही। या आपका कांटेक्ट नंबर ही दे सकते हैं। कांटेक्ट 7020085560 और उनके उनको ईमेल कर सकते हैं। अगर आपने कोई ऐसी कॉम्प्रेस फाइल इंटरनेट से डाउनलोड की है होगी जिसमें आपका कोई सॉफ्टवेयर होगा या कोई फोटोज होंगे, विनरार की मदद से एक्सट्रैक्ट या अनकॉम्प्रेस या अनजिप कर सकते हैं। आसान है, उस फाइल पे राइट बटन क्लिक कीजिए और एक्सट्रैक्ट टू उसी नाम से एक फोल्डर बन के आपको ये एक्सट्रैक्ट करके मिलेंगे। तो मैं यहाँ एक्सट्रैक्ट टू प्रिंट 12x18 पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए हमें ये फोल्डर मिल गया है जिसमें वही इमेजेस है जो हमने कॉम्प्रेस करके प्रिंट के लिए भेजे थे। अब दूसरे सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी ले लेंगे, रेमो रिकवर। हमारा पेन ड्राइव, एसडी कार्ड, हार्ड डिस्क, डाटा रिकवरी करने के लिए बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। मैंने अपने सिस्टम में एक 32 GB का पेन ड्राइव लगा दिया है, उसे हम रिकवर करेंगे। आसान है, ध्यान से देखिए। रेमो रिकवर बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है। आप हर तरह की फाइल्स, फोटो, वीडियो, ऑडियो, रॉ इमेजेस, रॉ वीडियोस, पूरी तरह का डाटा हम रिकवर कर सकते हैं। रेमो रिकवर ओपन करते ही मैं मीडिया एडिशन में जाता हूँ। यहाँ रिकवर लॉस्ट फाइल्स में जाता हूँ। यहाँ पे आपके पूरे ड्राइव स्कैन हो जाएंगे और हमें यहाँ अपना 32 GB का पेन ड्राइव दिखाई दे रहा है जिसका जी ड्राइव बन चुका है। उसे सेलेक्ट करके मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ हमें पिक्चर्स, म्यूजिक, वीडियो, डिजिटल रॉ फाइल्स, ईमेल, आर्चिव, बहुत सारे फाइल टाइप हम रिकवर कर सकते हैं। हम फिलहाल कुछ इमेजेस और वीडियो फाइल्स रिकवर करने का देखते हैं। जेपीजी फाइल्स,
मैंने यहाँ पीएचडी फाइल्स भी क्लिक सेलेक्ट कर दिया है, उसको चेक मार्क लगा दिया है और मैं वीडियो में MTS और M2TS ये दो फाइल सेलेक्ट कर देता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ, तो ये सॉफ्टवेयर अपना पेन ड्राइव स्कैनिंग करना शुरू कर देगा। 32 GB होने के कारण थोड़ा टाइम लगेगा, इस कारण मैं क्या करता हूँ इसे कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ आपको सॉफ्टवेयर ने रिकवर की वाली फाइल लिस्ट दिखाई देगी, इसे सेलेक्ट कर देते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ आपको ये सेशन सेव करने के लिए बोल रहा है, तो मैं डेस्कटॉप पे ये सेशन ही सेव कर लेता हूँ। सेशन 1 सेव, और आपको कहाँ ये फाइल रिकवर करके सेव करना है इसका आउटपुट फोल्डर में यहाँ मैं क्लिक करके पा देता हूँ। डेस्कटॉप पे मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ एक नया फोल्डर बना देता हूँ रिकवर और इसे सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपके फाइल्स रिकवर होकर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बहुत ही आसान है, एक बार ट्राई करेंगे तो आपको बहुत सारी परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। ये दोनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक उपलब्ध है, आप इसे जरूर डाउनलोड कीजिए। अधिक जानकारी के लिए हमें जरूर संपर्क कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको आगे भी बढ़िया से बढ़िया वीडियो ट्यूटोरियल बनाने की कोशिश हम करेंगे। धन्यवाद।